ये मनमुखी बाबा था राक्षस, उसमें रेप का केस भी लगा हुआ है। तो जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरने ही मरना है। क्या आप जानते हैं कि हाथरस में हुए सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली है। इस हादसे में आम जनता से लेकर तीर्थ के साधु संतों तक सभी आक्रोशित हैं। खासकर चित्रकूट के जगत गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह लोग अपने घर से कई किलोमीटर की यात्रा करके बाबा हरिनारायण के सत्संग में भाग लेने आए थे। अचानक हुई भगदड़ में एक दूसरे को धक्का मुक्की के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। चित्रकूट के जगतगुरु पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई थी। स्वामी रामभद्राचार्य ने बाबा हरिनारायण पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें मनमुखी और राक्षस बताया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें सरकार का दोष नहीं है, सरकार को सूचना नहीं दी, और ये मनमुखी बाबा था राक्षस, उसपे रेप का केस भी लगा हुआ है। तो जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरने ही मरना है। किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी उस पर? उस पर भारतीय संहिता के अनुसार उचित दंड का विधान होना चाहिए, और उसको आजीवन कारावास या तो फांसी होनी चाहिए। उसका उसकी न कोई परंपरा है, न कोई गुरु परंपरा है, वो स्वयं अपने को नारायण हरि बनाना चाह रहा था कि मैं साकार नारायण हूँ। अब बताओ, जब साकार नारायण है तो उसके सत्संग में लोग मरे कैसे? और सूट बूट पहनकर, जूता पहनकर सत्संग करता है, उसकी कोई परंपरा ही नहीं। भोली भाई जनता को भाका के चौपर करवा दिया। प्रशासन का कोई दोष है? प्रशासन को कोई सूचना दी गई? कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी इन लोगों ने। अभी इसके लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को। हम तो उसको जानते भी नहीं, उस लाउंडे को। सोचो आप, नियम ये होता है कोई भी हम सत्संग करते हैं जब, तो एक सत्संग की मर्यादा होती है, भद्र वेश होता है और व्यवस्था होती है, सूट वूट नहीं पहनना पड़ता, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, सरकार को सूचना, कोई प्रशासन को इसे सूचना तक नहीं दी, और 1,00,000 में जुटा लिया। भोली भाली जनता बिचारी, दलित जनता का अपने स्वयं को आचार्य कह रहा था नालायक। तो मैं तो कहता हूँ इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको अजन्म कारावास देना चाहिए। इस दुखद घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हम आशा करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।